सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज यशस व्लॉग्स। सो आज हम लोग मूंग दाल के पकौड़े बनाने जा रहे हैं। मेरी फर्स्ट रेसिपी है, तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल भिगो ली है। अब हमको इसको ग्राइंड करना है मिक्सर जार में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ग्राइंड। सो गाइस, मैंने इसमें मिक्सर जार में ये डाल चुकी है मैंने दाल पूरी नहीं भरनी, थोड़ी सी डालनी है। तो मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद मिलती हूँ, वरना बहुत आवाज़ आएगी। सो मिलती हूँ गाइस 2 मिनट बाद। सो गाइस, यहाँ पे एक सीक्रेट टिप है आपके लिए। मैं हरी मिर्ची इसी में डालने वाली हूँ। तो ये 5 से 6 हरी मिर्ची है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और इसमें रेड चिल्ली नहीं होने वाली, क्योंकि हम लोग नहीं डालते उसको, थोड़ी ज़्यादा ही तीखी रहती है और ये सही रहती है लाल मिर्च के बजाय। तो ये देखिए, मैंने इसको कुछ दरदरा सा पीस लिया है। ये कुछ दरदरा पीसना, जितना दरदरा पीसेंगे उतनी कुरकुरी बनेंगे। तो अब हम हरी मिर्ची को और दाल को पीस लेते हैं एक साथ में। तो मैं आपको दोनों चीज़ों को पीस के पूरा ये बैटर रेडी हो जाता है, फिर दिखाती हूँ। सो गाइस, ये मैंने पीस लिया है, इसको अच्छे से ये देख सकते हो आप, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये काफ़ी दरदरा से पीस लिया। और मुझे अब क्या क्या मसाले चाहिए होंगे मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट गाइस, मैं दिखा रही हूँ आपको मैं कौन कौन से मसाले चाहिए। हेलो गाइस, ये स्वीट। सो गाइस, हम लोग को देखिए, मैं दिखा देती हूँ। ये हम लोग को चाहिए अनियन, ये एक बड़ा अनियन लिया। और 1 टेबल स्पून हम लोग को लेना है सौंफ, और थोड़ा सा हम लोग को जो धना रहता है, खड़ा धना, उसको क्रश कर लेना हाथ में लेके। नमक स्वाद अनुसार। गाइस, यहाँ पे 1 टेबल स्पून बड़ा वाला अनियन, मतलब एक अनियन काटा है। ये जिंजर गार्लिक, अदरक और लहसुन, हल्दी, 1 टेबल स्पून सौंफ है इसमें, और थोड़ा सा हमने धनिया लिया खड़ा धना, उसको क्रश कर लिया हाथ से। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक ले सकते हो। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, ये गरम मसाला थोड़ा सा 1 टेबल स्पून हमने ये लिया है पिसा हुआ धना। सो अब हम लोग ये पूरा मिक्स करने वाले हैं इसमें, ये जो हमने बैटर बनाया था, ताकि इसमें टेस्ट ऐड हो जाए। सो गाइस, हम लोग अब ये सब मिक्स कर देंगे इसमें। मैं 1 मिनट में इसको मिक्स करके दिखाता हूँ। सो गाइस, ये मसाला डाल रही हूँ मैं। ये सबसे पहले मैं ये अदरक और लहसुन जो मम्मी ने बारीक काटे थे वो है, और ये धनिया है पिसा हुआ। सब चीज़ हम लोग को मिक्स कर देनी है, ये फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अब हम प्याज डाल देते हैं इसमें, और ये सब मिक्स हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जितने ज़्यादा मसाले पकौड़े उतने ही अच्छे बनेंगे। ये अब मैंने धनिया भी डाल दिया जो हमने क्रश किया था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नमक भी डाल देंगे। ये सब हमने अच्छे से डाल दिया इसमें, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे गाइस। सो गाइस, हमें ये सब मिक्स कर लेना है। और ये पेस्ट गाढ़ा ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला रहेगा तो फिर अच्छा नहीं बनेगा इतना। और इसको हम लोग दही के साथ में खाने वाले हैं। आप चाहे तो हरी चटनी, सॉस, या फिर किसी भी चीज़ के साथ में जिससे आपको अच्छा लगता है, ऐसे भी खा सकते हो। और आप अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो फिर आप ऐसे इसको नॉर्मल भी खा सकते हो, तभी ये बहुत टेस्टी लगेगा। और इसमें बेसन ना ही चावल का आटा, ये ऑलरेडी इतने, मतलब इसके दाल से बनाए हैं हमने, मूँग दाल से, ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। धुली मूँग दाल को हमने 5-6 घंटे भिगो लिया था, आप चाहो तो गर्म पानी में भिगो सकते हो। और गाइस, अब हम लोग को इसमें अब तेल चढ़ाने की बारी आई। सो गाइस, यहाँ पे अब ये तेल गरम होने के लिए रखा है, तो ये थोड़ी देर में गरम होता है, फिर मैं आपको मिलती हूँ, तब तेल बढ़िया गरम हो जाता है तलने के लिए। सो गाइस, ये मैंने टिश्यू पेपर लगा के प्लेट को रेडी कर लिया है, और तेल बस थोड़ी देर और गरम होने वाला है। यहाँ पे मसाले वगैरह सब मिक्स हो गए हैं, और इसमें हो सकता है आपको नमक वगैरह थोड़ा कम या ज़्यादा हो सके आपके टेस्ट के हिसाब से, तो आप पहले डाल के थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा अपना, मतलब टेस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। और अगर आपको कुछ चीज़ कम या ज़्यादा लगे, तो फिर आप उसमें दाल ज़्यादा डाल सकते हो, या फिर नमक वगैरह कम है तो उसको ज़्यादा डाल सकते हो। सो गाइस, ये तेल एकदम बढ़िया गर्म हो चुका है, तो अब ये तलने की बारी आई। चलिए, मैं थोड़ा सा डाल के पहले चेक करते हैं कि ये गर्म हुआ या नहीं। बहुत थोड़ा सा डालना है। रुकिए गाइस, ये जा ही नहीं रहा, मुझे लगा था गिरे। गाइस, हमारा तेल गरम हो चुका है, दिखाती हूँ, तेल अच्छे से गरम हो गया है। ये देखिए गाइस, ये अच्छे से गरम हो गया है। सो अब हम सारे पकौड़ों को डाल देंगे इसमें, थोड़ी धीरे धीरे करके।
सो गाइस अब हम ये सब डालने वाले हैं इसमें धीरे धीरे करके। तो ये पहला पकौड़ा गया गाइस, ये थोड़ा छोटा करेंगे इसको। ये दूसरा पकौड़ा गया गाइस। और गाइस अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आई एम सॉरी, आप मुझे अच्छी टिप्स वगैरह दे सकते हो कमेंट्स में। सो गाइस ये पकौड़े मैं डाल रही हूँ, तो तेल बिल्कुल ज़्यादा भी गर्म नहीं और कम गर्म भी नहीं। कम गर्म होगा तो फिर उसमें तेल की मतलब लहर जैसे कह रहे हो वो आने लगेगी, स्मेल आती है उससे। और ऐसे ज़्यादा गर्म रहेगा तो पकौड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से नहीं। और ये गाइस अभी सही गर्म था तो अब ये पकौड़े तलने वाले हैं थोड़ी देर में। सो गाइस हमारे पकौड़े सिक चुके हैं, थोड़ी देर में सिक जाएंगे तो मैं इनको उतारती हूँ, एक मिनट। सो गाइस ये पकौड़े अब तल चुके, अच्छे से सिक गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हम ऐसे ही बाकी सारे पकौड़े तल लेंगे, मैं सारे पकौड़े तलने के बाद मिलती हूँ। गाइस ये पकौड़े बन चुके हैं और मैंने इसको देखिए मैं दिखाती हूँ, मैंने इसको टमाटो केचप और दही के साथ में सर्व किया और ये पकौड़े बड़े क्रिस्पी बने। यशस्वी सॉस के बिना नहीं खाती पकौड़े, तो अब ये टेस्ट करके बताएगी हमारे पकौड़े कैसे बने हैं। यशस्वी टेस्ट करिए। हाँ तो पहले ले तो लेने दो। गाइस ये बहुत क्रिस्पी है और बहुत अच्छे डिलीशियस। सो गाइस ऐसे ये ऐसे तरीके से हमने बनाया अपने मूंग दाल के स्पेशल पकोड़े। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज यशस्वी लॉस। बाय गाइस।